हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर एक छोटा या बड़ा नहीं होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है उसके समय का, फर्क इतना होता है दोस्तों सिर्फ उसके मेहनत का, फर्क इतना होता है दोस्तों सिर्फ उसके लक का। ये दोस्तों मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब भी मैं अपने YouTube के चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को जब भी कोई वॉच करता है, देखता है, तो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ उस पर जो भी कोई लाइक और कमेंट्स करता है, तो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ कि मुझे जो कमेंट्स किया मेरी वीडियो में, जो कमेंट जिन्होंने किया है वो कोई नॉर्मल आदमी है या फिर दोस्तों कोई यूट्यूबर है, मेल है या फीमेल है उससे कोई मतलब नहीं, कोई यूट्यूब है क्या। तो फ्रेंड्स मैं उस यूट्यूब के चैनल पर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि फ्रेंड्स क्या एक नया इसका एक नया YouTube चैनल है और नया एक इसका YouTube चैनल है, तो फ्रेंड्स ये अपने चैनल पे कोई गलती तो नहीं कर रहा या फिर इसके अंदर बहुत अच्छा है या कोई अच्छी काम कर रहा है क्या। तो फ्रेंड्स अगर मुझे लगता है कि उसके चैनल पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूँ कि उसके चैनल से जो अच्छाई है वो ग्रहण करने की यानी लेने की कोशिश करता हूँ, और मुझे लगता है दोस्तों कि इसके चैनल पर कोई गलती है या फिर यह यूट्यूबर नया है अपने चैनल पे ये गलतियां कर रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके चैनल पर जाके वो कमी बताऊं, वो गलती बताऊं ताकि अपने उस कमी को वह दूर कर ले। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू शूट वीडियो फॉर यूट्यूब, वीडियो शूट करने का तरीका क्या है, कैमरे के सामने कैसे बोले। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी कॉल करके प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मिलेगी यहाँ पे हर खबर डंडे की चोट पर। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू शूट वीडियो फॉर यूट्यूब, वीडियो शूट करने का तरीका क्या है, कैमरे के सामने कैसे बोले। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जो नॉलेज देने जा रहा हूँ बहुत केयरफुली आंख खोल के कान खोल के ध्यान से देखने सुनने समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा हाउ टू शूट वीडियो फॉर यूट्यूब, वीडियो शूट करने का तरीका क्या है, कैमरे के सामने कैसे बोले, इस सारे जो क्वेश्चन है या फिर इस सारे पॉइंट्स को आपको सवाल चाहिए यानी इसका आंसर चाहिए तो कुछ बातें आपको जानना जरूरी है जो कि एक नया यूट्यूबर करता है। और दोस्तों वो नया यूट्यूबर करता है बड़ी 5 गलतियां यानी 5 मिस्टेक करता है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जानना होगा कि क्या आप भी एक नए यूट्यूबर है और अपने चैनल पर 5 गलतियां करते हैं या 5 में से 1-2 गलतियां करते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि एक नया यूट्यूबर 5 बड़ी गलतियां वो कौन से करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो वो गलती करता है बैकग्राउंड यानी वीडियो को शूट करते समय बैकग्राउंड नॉइस आती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ तो कभी कभी हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइस में बाइक की या गाड़ी की आवाज आ रही है, हॉर्न की आवाज आ रही है। तो दोस्तों आप भी जब वीडियो शूट करते होंगे तो दोस्तों देखेंगे कि जब आप वीडियो शूट करेंगे फ्रेंड्स कभी कभी पंखे की आवाज या बच्चों की आवाज या फिर कोई सामान गिरने की आवाज, गिलास गिरने की आवाज या फिर गाड़ी की आवाज या फिर कुछ अलग तरह से खटपट काम करने की आवाज आती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी अपने वीडियो को शूट करना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना कि आपकी वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइस ना आए यानी फालतू की इधर उधर की साउंड ना आए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि बैकग्राउंड से आपका जो ऑडियंस होता है, जो पब्लिक आपकी वीडियो को वॉच कर रहा है वो इधर उधर भटक जाएगा, बोलेगा इसकी वीडियो सही नहीं, फालतू की आवाजें आ रही है। तो फ्रेंड्स इसका आपको ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस ना आए, अगर आए तो किसी ऐप की मदद से उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, इस चीज का दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी गलती की बात करें फ्रेंड्स तो जो आप दूसरी गलती बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वीडियो बात करते करते फ्रेंड्स उसमें अटकना, यानी दोस्तों जैसे मैं बात कर रहा हूं तो वीडियो में आप जैसे बात करते हैं या समझाते हैं लोगों को तो बात बात में अटक जाना। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सिंपल सी नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर आप अटके तो वीडियो आपकी अटकी, मतलब कि आप बात करते करते वीडियो में अटके तो आपकी वीडियो भी अटके। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि वीडियो में बात करते करते कभी भी आपको अटकना ही नहीं है, जितना आपको नॉलेज आए उतना फ्रेंड्स आपको नॉलेज देना है। अगर दोस्तों आपको नॉलेज पूरा ना आ रही हो, ना पता हो तो जितना आई उतना ही बताइए, बट दोस्तों अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रेंड्स मैं आपको गाइड करूंगा कि कुछ दिन कैमरे के सामने बोलिए, कुछ दिन मिरर के सामने बोले यानी आईना के सामने बोलिए, या फ्रेंड्स उसको क्या करिए अपने पेपर कॉपी से किसी पेज पे लिख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए फिर बोलिए, ताकि आप वीडियो में बार बार अटके नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि आप अगर वीडियो बोलने में अटके तो समझ लीजिए आपकी वीडियो अटके यानी आपके वीडियो पे व्यूज अटके। इसलिए दोस्तों आपको अपने वीडियो में बात करते समय कभी भी अटकना नहीं है। ये दोस्तों आप दो गलती करते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि तीसरी गलती आप लोग क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बताया कि वीडियो जब आप लोग शूट करते हैं तो तीसरी गलती होती है कि बैकग्राउंड का ध्यान देना। तो दोस्तों आप जब वीडियो शूट करते हैं तो कभी कभी मैं देखा हूं कि बहुत से लोग होते हैं कि अपने पीछे का बैकग्राउंड को ध्यान नहीं देते। मैं दोस्तों यहां आपको एक गाइड नहीं करूंगा कि आप बहुत पैसे खर्च करके अपने पीछे का बैकग्राउंड
अच्छा कर ले, उसको सुधार कर ले। मैं दोस्तों आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्रेंड्स आप वीडियो सिंपल शॉर्ट तरीके से बनाइए, बट दोस्तों कोई सिंपल सी दीवार हो, कोई व्हाइट कलर की येलो कलर कुछ भी हो, उसके आगे खड़े हो जाए, आपके पीछे वो दीवार आ जाए, आप शूट करेंगे तो वीडियो आपको देखने में अच्छी लगे। ऐसा ना हो फ्रेंड्स की आप कहीं भी वीडियो शूट कर ले, या फिर दोस्तों आपके पास कोई साधन हो तो पीछे कोई पर्दा वगैरह कोई चद्दर वगैरह लगा कर भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों बहुत से यूट्यूबर की वीडियो देखा है कि जब वो वीडियो शूट करते हैं तो अपने पीछे का बैकग्राउंड को ध्यान नहीं देते हैं, कभी दोस्तों उनके पीछे कोई टेबल आ रहा है, कोई कपड़ा आ रहा है, कोई मेज आ रहा है, कोई गिलास आ रही है, या फिर दोस्तों कोई कूलर फ्रिज आ रही है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान देना है आपको कि ये सब बैकग्राउंड के पीछे आपको ना आए, अगर आए तो कोई हाई क्वालिटी का प्रोफेशनल चीज आए ताकि आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। इन सब चीजों का दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट में बहुत ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ चौथी गलती, यानी चौथा मिस्टेक आप लोग बहुत बड़ा करते हो, क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा जो मिस्टेक करते हैं बहुत बड़ा करते हैं कि कैमरे के सामने बोलना, यानी फ्रेंड्स जो मैंने पहले भी बता दिया कि वीडियो शूट करते समय कैमरे के सामने कैसे बोलें, यानी कैमरे के सामने बोलने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों जैसे देखिए कि मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या कर रहा हूँ मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो अपने फ्रंट मोबाइल का जो कैमरा है उस पर देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी कोई नया यूट्यूबर आता है तो फ्रेंड्स वो गलती करता है कि अपने मोबाइल के कैमरे पर नहीं देखता है, वो क्या करता है उसको आदत होती है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर देखने की। तो फ्रेंड्स ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जब नया आया था तो फ्रेंड्स मैं भी अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे पर नहीं देखता था, मोबाइल के डिस्प्ले पर देखता था। तो दोस्तों मैंने इस आदत को सुधारा, धीरे धीरे आपको भी ये सुधारना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे देखिए कि मैं अभी अपने मोबाइल के कैमरे पर देख रहा हूं, तो फ्रेंड्स अभी मैं यहां से अपनी नजरें हटाता हूं। तो दोस्तों अभी मैं अपनी नजरें हटा चुका हूं, अभी मैं दोस्तों देख रहा हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से करते हैं तो दोस्तों देखिए कि आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, ये दोस्तों आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता होगा। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है, यहां से दोस्तों आपको जो गलती इसको सुधार कर क्या करना है अपने मोबाइल के जो फ्रंट कैमरा है उस पर देखना। तो फ्रेंड्स यहां देखिए मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूं, अभी आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों देखिए अभी मैं क्या किया, अपनी नजरों को हटा करके अपने मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है उस पर नजर लाया। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसको आपको सुधार करके क्या करना है अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर नहीं देखना है, अपने मोबाइल के कैमरे पर देखना चाहिए। या बैक कैमरा से शूट करें तो कैमरे पर देखना है, या फ्रंट कैमरे से शूट करें तो मोबाइल के फ्रंट कैमरे पर देखना है, ना कि डिस्प्ले पे। ये चौथी गलती दोस्तों आप बहुत जल्दी सुधार लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि पांचवी गलती, यानी पांचवी बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों पांचवी बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं कि जब भी आप लोग वीडियो शूट करते हैं, खास करके फेस कैम बनाते हैं जब, तो दोस्तों वो गलती आप करते हैं कि इस तरह से बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल टेक ओमर, नमस्कार दोस्तों टेक ओमर या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों इस तरह से आपको नहीं बोलना है, और खास करके दोस्तों क्या करते हैं आप अपने जो कैमरा जो वीडियो शूट करते हैं उसको ट्राइपॉड के सेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं कि आप कहीं भी बैठ करके ट्राइपॉड शूट कर देते हैं, यानी फ्रेंड जैसे देखिए अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है उसके बीचों बीच मेरी बॉडी आ रही है, मेरी शरीर की बॉडी आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको शूट करना है, ना कि दोस्तों इस तरह से, बहुत से लोग ऐसे करके शूट कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या ऐसे अच्छा लग रहा है, देखिए इस तरह से जगह स्पेस ज्यादा बच रहा है, इस तरह से कम बच रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको नहीं शूट करना है, आपको जब भी वीडियो शूट करना है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है अपने इस तरह से अपने एकदम बराबर में दोस्तों आपको ऐसे अपना कैमरा सेट करना है कि फ्रेंड्स आपको इधर भी उतना स्पेस बचे, इधर भी उतना स्पेस बचे, यानी आपका जो बॉडी है कैमरे के बीचों बीच में आए, जो डिस्प्ले है उसके बीचों बीच में आए, इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान देना है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पांच बड़ी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए, यानी अपने YouTube की लाइफ से इसको डिलीट कर दिए, इसको रिमूव कर दिए। अगर दोस्तों आप इसको रिमूव कर देंगे तो आप जाहिर सी बात है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जो बताया आपको कि आपको हाउ टू शूट वीडियो फॉर यूट्यूब, वीडियो शूट करने का तरीका क्या है, कैमरे के सामने कैसे बोले, इन सब क्वेश्चन का आपको जवाब भी मिल गया होगा और आपको अपनी गलतियां भी पता चल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।